और हमारा लीवर आज अविनाश क्लासेस में ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जरूरी है क्लियर डायग्नोसिस का। क्लियर डायग्नोसिस क्या बताएगा? स्पेसिफिक कॉज बताएगा। स्पेसिफिक कॉज बताएगा कि किस वजह से आपको जॉन्डिस हुआ है और वो कॉज सुटेबल ट्रीटमेंट बताएगा। जब क्लियर डायग्नोसिस होगा तो उससे हमको जॉन्डिस का स्पेसिफिक कॉज पता चलेगा और हमको एक पर्टिकुलर जगह ट्रीटमेंट को टारगेट करने में मदद मिलेगी कि हम ट्रीटमेंट किस तरह से करें। मान लीजिए अनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस है, अगर अनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आयरन, ब्लड के आयरन को इंक्रीज करना है, ब्लड के आयरन को इंक्रीज करना है आयरन सप्लीमेंट से या आयरन रिच फूड से। आयरन कंटेंट को इंक्रीज कीजिएगा आयरन रिच फूड लेके या आयरन सप्लीमेंट से, ठीक है। ये एक तरह का हो गया जॉन्डिस। दूसरा, अगर हमको हेपेटाइटिस इंड्यूस्ड जॉन्डिस का पता चलता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एंटीवायरल या स्टेरॉयड मेडिकेशन देंगे, ठीक है। अगर हमको पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस्ड जॉन्डिस है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सर्जरी करेंगे सर्जरी करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करें। तो इस तरह से क्लियर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और है, मान लीजिए मेडिकेशन इंड्यूस्ड है जॉन्डिस, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस मेडिसिन के चलते जॉन्डिस हो रहा है उस मेडिसिन को बंद करेंगे और दूसरा मेडिसिन लीवर के लिए हम स्टार्ट करेंगे, इसको चालू करेंगे कि उसका इफेक्ट कम हो और इस तरह से जॉन्डिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लियर डायग्नोसिस से। कॉम्प्लिकेशन क्या आता है जॉन्डिस में, कभी कभी इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस में। जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशंस में इचिंग बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम प्रूरिटिस बोलते हैं। इतना ज़्यादा इचिंग हो जाएगा, इतना अधिक इचिंग हो जाएगा कि पेशेंट अपने स्किन को ही लगेगा बार बार उसको नोचने बहुत ज़्यादा, और इससे इंसोमनीमिया भी हो जाता है, मन नींद नहीं आएगा और उसके बाद क्या होगा, कभी कभी कमिट सुसाइड करने का भी टेंडेंसी आएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशन है और मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज आर ए रिजल्ट ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ जॉन्डिस नॉट फ्रॉम जॉन्डिस इटसेल्फ। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जॉन्डिस कॉज बाय ए बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से कोई जॉन्डिस होता है तो ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि हो सकता है सफिशियंट विटामिन उसको न मिले, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन होगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल हो, तो वो विटामिन न मिलने पर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा इन केस ऑफ बाइल डक्ट
ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए जॉन्डिस के कॉज पर, सिर्फ जॉन्डिस से प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस का क्या कारण है, उससे प्रॉब्लम हम डिराइव करेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में है फंक्शन, लीवर फंक्शन से जॉन्डिस रिलेटेड है, इसलिए वन कैन मेंटेन द वाइटल ऑर्गन्स हेल्थ बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट आपको लेना है, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट, 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना है हफ्ता में। रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सीडिंग रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को जानते ही हैं कि अल्कोहल जो है एक रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेना है, एक लिमिट में लेना है, अल्कोहल का लिमिट होना चाहिए। तो ये सब प्रिवेंशन है। अब हम इसके बाद डाइट ऑफ जॉन्डिस देखते हैं, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए। डाइट ऑफ जॉन्डिस क्या है, जो बोल रहा हूँ वही आपका नोट्स है, ये ध्यान में रखिएगा। डाइट क्या होगा, डाइट फॉर जॉन्डिस, उसको ध्यान में रखिएगा। डाइट हम बोल रहे हैं उसको आप नोट्स की तरह लिख सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं। सम पीपल बिलीव दैट एवरीथिंग कैन बी आइदर क्योर्ड और मेड बेटर विद द प्रॉपर डाइट। सही बात है, प्रॉपर डाइट से ही कोई चीज क्योर होगा। ईटिंग राइट एंड ड्रिंकिंग राइट विल ब्रिंग द पेशेंट और पर्सन्स बेटर हेल्थ। वेरी गुड, सही चीज खाइए, सही चीज पीजिए तो आदमी के हेल्थ को बेटर बनाएगा। कुछ डाइटरी टिप्स है जो उससे सफरर को और जो उससे बीमार हैं उसको वो मदद करता है। वो टिप्स क्या है, पहला हम अगर बात करें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूस फास्ट, मतलब पेशेंट को फ्रूट और वेजिटेबल जूस पे ही रखना है। वन ऑफ द डाइट दैट हैव बीन सीन टू हेल्प विद जॉन्डिस दैट इज कॉज्ड बाय लीवर प्रॉब्लम इज फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस फास्ट। ए पर्सन इज गिवन ओनली फ्रेश जूस, फ्रेश जूस उसको दीजिए एक हफ्ता तक, फ्रेश जूस फॉर 1 वीक। ए पर्सन ऑफ गिवन पर्सन इज गिवन फ्रेश जूस फॉर ए वीक एंड दिस इंक्लूड द जूस ऑफ लेमन। इसमें जूस में क्या क्या होना चाहिए, लेमन, ऑरेंज, पियर्स, ग्रेप्स एंड बीट्स, ये सब का जूस उसको एक हफ्ता तक दीजिए। क्या इसमें आप ऐड कर सकती हैं कैरेट जूस या सकते हैं और शुगर केन जूस। तो इसमें शुगर केन कैरेट जूस ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। ड्यूरिंग दिस फास्ट द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस इज गिवन पीरियोडिक एनिमास टू क्लियर द कोलोन ऑफ टॉक्सिन दैट मे बी लेफ्ट देयर बाई हिज डिस्चार्ज। इस फास्टिंग के दौरान उस पेशेंट को एनिमा दिया जाता है, पेशेंट को एनिमा दिया जाएगा। एनिमा क्यों दिया जाएगा, कोलोन को क्लियर, कोलोन को साफ करने के लिए, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उसको साफ करने के लिए उसको एनीमिया दिया जाएगा कि वो टॉक्सिन क्लियर होता रहे। बीच बीच में उसको पीरियडिक एनीमा। अच्छा, उसके बाद है दूसरा ऑल फ्रूट डाइट। ऑल फ्रूट डाइट क्या है, जो जॉन्डिस से सफर कर रहा है उसको ऑल फ्रूट डाइट भी देना है। दिस कैन बी डन आफ्टर द जूस फास्ट। ये जूस फास्ट हम दे रहे हैं उसके बाद ये ऑल फ्रूट डाइट देंगे। कोई भी फ्रूट उसमें आप जोड़ सकते हैं, बनाना नहीं होना चाहिए, कैंड फ्रूट नहीं होना चाहिए,
सिर्फ फ्रेश फूड 3 बार दिन भर में देना है उसको। क्या क्या नहीं होना चाहिए? नो बनाना, नो कैंड फूड, 3 टाइम्स ए डे फ्रेश फ्रूट उसको देना है। तो मतलब कि हम 1 हफ्ता तक देंगे उसको फ्रूट वेजिटेबल जूस, उसके बाद उसको हम देंगे फ्रूट डाइट। ये 5 डे का फ्रूट थेरेपी है, ये 5 डे फ्रूट थेरेपी। उसके बाद ये फॉलोड बाय ये मील, उसके बाद हम मील देंगे। मील में क्या देंगे? उस मील होगा 1 पार्ट होल व्हीट, ध्यान दीजिएगा, 1 पार्ट होल व्हीट ब्रेड और होल व्हीट प्रोडक्ट, होल व्हीट प्रोडक्ट, ठीक है। 1 पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? 1 पार्ट फ्रूट और लेमन वाटर। स्लोली बिल्ड अप ऑफ हिज, ये देते रहेंगे तो उसे क्या होगा? इट विल स्लोली बिल्ड अप ऑफ हिज और हर बैलेंस्ड मील आफ्टर दिस थेरेप्यूटिक डाइट एंड मेक श्योर ही एंड सी ईट हेल्दी मील्स आफ्टर दिस। तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा, 5 डे फ्रूट डाइट के बाद हम उसको मील बढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत सारे नेचुरल रेमेडी भी है, उसके बारे में भी हम यहाँ जान लेते हैं। नेचुरल रेमेडी भी जानना जरूरी है। हमारे इंडिया में तो खासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विदेशों में भी ये जरूरी है। नेचुरल रेमेडी क्या है? नेचुरल रेमेडी हमको लगता है कि उस मैक्सिमम लोग को पता होगा। एक बहुत पुराना रेमेडी है, ट्रीटमेंट है जॉन्डिस का, तुलसी का पत्ता, तुलसी लीव्स, ठीक है। पहला, इसको पहला मार्क कर देते हैं। तुलसी लीव देंगे उसको, पानी में डाल देंगे 7-8 पत्ता, 7 to 8 लीव्स, और 200 ml वाटर, 200 ml वाटर, 2 टाइम्स a day कैन प्रोमोट नॉर्मल लीवर फंक्शन रेगुलेट बाई बाइल प्रोडक्शन। इसको 2 टाइम a day, 2 टाइम क्या करेगा? प्रोमोट नॉर्मल लीवर फंक्शन एंड रेगुलेट बाइल प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपको नेचुरल रेमेडी में। दूसरा क्या हम दे सकते हैं? दूसरा देते हैं रेडिश लीव्स। रेडिश लीव्स वही है जो आप समझ रहे हैं, मूली का पत्ता। बहुत इफेक्टिव है जॉन्डिस क्योर करने में, इस वेरी इफेक्टिव फॉर कॉट क्योरिंग जॉन्डिस। इसको, लीफ को हम क्रस्ट करेंगे, पानी से छान लेंगे। द जूस इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ए क्लॉथ। एडल्ट पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक दिस जूस ऑफ क्रस्ट लिस्ट फॉर एटलीस्ट 8 से 10 डेज। रेडिश जूस फ्लशेज आउट द एक्सेस बिलीरुबिनियम। ये 2 to 10 डेज करेगा क्या? ये एक्सेस बिलीरुबिन को हटाएगा, रिमूव करेगा। एक्सेस बिलीरुबिन को हटाएगा और इस तरह से डी टॉक्सीफाई आवर ब्लड, और हमारे ब्लड को डी टॉक्सीफाई करेगा। एक्सेस बिलीरुबिन हटेगा, ब्लड डिटॉक्सीफाई होगा और एपेटाइट, लॉस्ट एपेटाइट को बिल्डअप करेगा। एंड एड्स इन प्रॉपर इवैक्यूएटिंग ऑफ द बॉल्स, और हमारे शरीर के स्टोमैक को प्रॉपर इवैक्यूएट मतलब उसको साफ करेगा, उसको खाली करेगा।
Similarly, drinking 4-5 glass of barley water daily is recommended. Barley water, 4-5 glass per day. जब तक कि जॉन्डिस खत्म ना हो जाए. ये क्या है? बार्ली एक्ट्स एज ए डाययूरेटिक एंड हेल्प इन वॉशिंग ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी. देखिएगा, डाययूरेटिक की तरह काम करता है बार्ली वाटर और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. अच्छा, एक और नेचुरल तरीके की बात करना है तो यहां आ जाएगा कोरिएंडर सीड्स. कोरिएंडर सीड्स को कैसे लेंगे? तो ड्रिंकिंग 30-50 ml ऑफ कोरिएंडर सीड्स, 30-50 ml ऑफ कोरिएंडर सीड्स हम देंगे सोक एंड बॉयल. 2 tablespoons coriander seed in 1/2 liter of water. किस तरह से पानी को में मिला के देना है? पानी में पहले भींग जाए, सोक पानी उसको अच्छी तरह सोख ले, पानी में वो सोख हो जाए. उसके बाद उसको 2 चम्मच को बॉयल करना है coriander seed को 1/2 liter ऑफ वाटर में. ये क्या करेगा? येलोनेस, हमारे शरीर के येलोनेस को हटा देगा. येलोनेस ऑफ स्किन को ये प्रिवेंट करेगा, हटाएगा. ठीक है, एक और चीज है रेगुलर इनटेक ऑफ टोमेटो जूस. रेगुलर इनटेक ऑफ टोमेटो जूस खाली पेट में, एम्प्टी स्टोमैक इन द मॉर्निंग, इज ऑल्सो यूजफुल इन कॉम्बैटिंग जॉन्डिस. अब ये जूस कैसे करता है हमें हर एक में हम आपको बताए हैं. कोई जो है स्किन को हटाएगा, वो डाययूरेटिक टाइप का यूज होगा, बिलिरुबिन को रिमूव करेगा. ये जो है जूस पाया, जिस जूस कंटेन्स प्लेंटी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच एक्ट्स एज ए पोटेंट डीटॉक्सीफायर्स इलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा. ठीक है, तो इसके बारे में बता दिए. और कॉमन चीज है आंवला और लेमन जूस. ये क्या करेगा, इसको कैसे लेना है? तो जॉन्डिस के लिए आंवला लेमन जूस लेना है. ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है. अभी कोरोना वायरस के चलते इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ है. और इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रलाइजेज फ्री रेडिकल डैमेज एंड री स्टोर्स लीवर हेल्थ एंड फंक्शन. 3 काम हो गया. क्या क्या? इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, प्रोटेक्ट्स द डैमेज लीवर सेल, न्यूट्रलाइजेज फ्री रेडिकल डैमेज और री स्टोर्स लीवर हेल्थ फंक्शन. दिस मेजर्स यूजली हैव 0 साइड इफेक्ट. ये सब जितने भी रेमेडीज लेंगे, नेचुरल रेमेडी, इसका साइड इफेक्ट नहीं है और इसलिए 100, दिस इज 100% सेफ. हाउएवर, वन शुड यूज दिस रेमेडीज ओनली एज एन एडजेसेंट टू मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर क्यूरिंग द सिम्टम एंड प्रिवेंटिंग फैटल कॉम्प्लिकेशन. मतलब इसको साथ साथ ले सकते हैं आप. किसी पर डिपेंडेंट हो जाइएगा बीमारी होने के बाद तो वो ठीक नहीं है. अब हम यहाँ ये आपको बताएंगे फूड कौन कौन नहीं लेना है. वीडियो को जल्द हम खत्म करते हैं. कौन कौन फूड अवॉइड करना है, चलिए उसको भी देख लें. फूड अवॉइडेड, कौन कौन सा फूड अवॉइड करना है, तो इसमें सब जानते हैं फैटी फूड्स, स्पाइसेस, कॉफी, स्वीट्स,
pickles. T, salted meats, pork, pulses, ligaments. ये आपको इतने चीज को अवॉइड करना है, तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा, ये फूड अवॉइडमेंट अवॉइड है. और कौन कौन फूड लेना है वो आपको वर्बली बोल देते हैं, नोट कर लीजिए क्या क्या लेना है. कोकोनट वाटर लीजिए, ग्लूकोज, स्किम्ड मिल्क, ऑरेंज एंड पियर जूस, फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो, एप्पल, पियर और सम ग्रेप्स और बेरीज, ब्रोकन व्हीट, ब्रोकन व्हीट मतलब टूटा हुआ गेहूं, स्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप, छाना हुआ, स्ट्रेन्ड मतलब छाना हुआ, बेक्ड पोटैटो, पोटैटो को बेक करके, अदर लाइक फेंग्वीन सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स सॉरी, स्पिनैच ईटीसी, हनी, रेडिश लीव्स, रॉ सलाद, बार्ली वाटर, लेमन जूस, ये सब लेना है. ये हम वर्बली बोल दिए. अब हम इसके साथ साथ आपको एक देंगे सैंपल मेनू फॉर ए पेशेंट विथ माइल्ड टू मॉडरेट जॉन्डिस. मैंने ऐसा पेशेंट जिसको जॉन्डिस हुआ हो उसका मंडे से लेके सैटरडे तक क्या मेनू रहेगा, वो इस वीडियो के साथ इंक्लूडेड है. वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ ही जॉन्डिस जो है वो आपका चैप्टर, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड.